सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बैटरी सेलिंग के बारे में। मोटरसाइकिल की बैटरी बिक रही है, मतलब टू व्हीलर की बैटरी बिक रही है, पर कार की बैटरी जो बड़ी बैटरी है जिससे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस और फ़ायदा होता है, जैसे कार की बैटरी होगी, ट्रक की बैटरी होगी, जो बड़ी बड़ी बैटरी है वो नहीं बिक रही, तो सेल कैसे बढ़ेगा, तो बैटरी कैसे बिकाएंगे, तो ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ऐसे कौन से तंत्र मंत्र हैं जिसके ज़रिए आप अपने बैटरीज बेच सकते हैं, जो कार की बैटरी है, जो बड़ी बैटरी है, जो इन्वर्टर की बैटरी है वो बेच सकते हैं। ऐसे कौन से बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, कौन से तंत्र मंत्र आपको लगाना है जिससे आपके सेल ज़्यादा बढ़ जाए, सेल बूस्ट हो जाए। सो इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो को देख लीजिए और पता कर लीजिए। सो किस तरीके से हम अपना सेल बूस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैटरियाँ बेच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको दिन की शुरुआत अच्छे पॉजिटिव माइंड से करना है, बी पॉजिटिव रहना है, बॉडी लैंग्वेज आपको अपनी पॉजिटिव रखना है, तभी जाके आपकी दिन की शुरुआत अच्छी होंगी और आपको आपके बिजनेस में फायदा भी मिलेगा। तो चलिए अभी मुद्दे की बात पे आते हैं कि कैसे अपना सेल बूस्ट करें। अब यहाँ पे साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में आपकी बैटरी बिकने नहीं वाली है। कुछ ऐसे महीने हैं जहाँ पे आपका सेल अच्छा बूस्ट करेगा, कुछ महीने हैं जो आपके खाली जाएंगे। तो जैसे 12 महीने में आपका बिजनेस 7 से 8 महीने आप बैटरी बेच सकते हैं, कुछ महीने आपके खाली जाने वाले हैं। जैसे ठंडी का सीजन है, बरसात का सीज़न है, उस सीज़न में आपकी मैक्सिमम बैटरियाँ बिकने वाली है, और कुछ सीज़न में जैसे धूपकाली का सीज़न है वहाँ पे आपकी बैटरियाँ नहीं बिकेंगी, तो वहाँ पे इन्वर्टर बैटरी का सेल आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये मत सोच के बैठे कि साल भर में है, साल भर में आप बैटरियाँ बेचती रहेंगे, तो कुछ महीने ऐसे जाएंगे जहाँ पे जो वीक पीरियड रहेगा वहाँ पे आप बैटरी का सेल नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने महीने आप बैटरियाँ सेल करते हैं उतने महीने में साल भर का प्रॉफिट आप निकाल लेते हैं, मतलब 7 से 8 महीने में आप साल भर का अच्छा खासा सेल कर लेंगे। आपका नया बिजनेस है तो बिजनेस दिखने के लिए कम से कम 1 साल का टारगेट आप लेके चलिए। अगर आप में अच्छी क्वालिटी है, आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं या कर सकते हैं, सो 1 साल के अंदर में आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा सेल हो जाएगा। अदरवाइज 1 साल का टारगेट आप रखिए, जो भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो 1 साल का टारगेट आप रखिए। 1 साल में हो सकता है कि अपना बिजनेस ग्रो हो भी जाए और ना भी हो। होता है ऐसे कि आपके एरिया में ही नहीं मालूम होता है कि आपके एरिया में वो शॉप है, आपके एरिया को लोगों को ही नहीं मालूम होता है कि आपके एरिया में शॉप है, तो वो शॉप का पता चलने के लिए 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 1 साल का टारगेट तो आपको पकड़ के चलना ही है। अब यहाँ पे कुछ नॉर्मल बातें हमने कर की है, तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से आप अपना सेल बूस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि तंत्र मंत्र आपको लगाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहूंगा, ज्यादा बड़ा एरिया फोकस मत कीजिए। आपकी शॉप जो भी एरिया में है तो एरिया से, जो भी आपके एरिया में है, आपके एरिया के ही लोगों को पता नहीं रहता। जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको, आपके एरिया के आपके अगल बगल वालों को ही नहीं पता रहता कि आपकी शॉप उस एरिया में है। तो ज़्यादा बड़ा सोचने से अच्छा आप पॉइंट ऑफ कीजिए आपके एरिया से, मतलब आपके शॉप से 2 किलोमीटर का एरिया पकड़ लीजिए, रेडियस पकड़ लीजिए, और वहाँ के लोगों को पता करवाने का काम आपका है। क्योंकि आपके एरिया में इतना ज़्यादा सेल, इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि आप वहाँ से ही अच्छा खासा सेल आप लेके आ सकते हैं। तो ये आपके थिंकिंग पे डिपेंड है, आपके काम करने पे डिपेंड है। आप काफ़ी बड़ा एरिया सोचते हैं, तो सबसे पहले आपके एरिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी गली मोहल्ला है, सब एरिया में पता चलना चाहिए कि आपके एरिया में आपकी शॉप है, तो डेफिनेटली उनको काम पड़ेगा ही, वो तो डेफिनेटली आपके पास में आएंगे। एरिया कवर करने का सबसे बड़ा जो तंत्र मंत्र है वो सोशल मार्केटिंग। आपको सोशल मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप अपने शॉप पे गूगल माई बिजनेस प्लेस कर लीजिए, आप अपनी शॉप पे ऑनलाइन में रजिस्टर कर लीजिए, गूगल के फ्री वेबसाइट है वहाँ पे जाइए और अपने लोकेशन पे गूगल माई बिजनेस का एक पेज क्रिएट कर लीजिए। वहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है लोगों को पता चलने में कि यहाँ पे आपका शॉप है। काफ़ी लोग गूगल ही करते हैं, गूगल के माध्यम से देखते हैं कि नियरेस्ट में बैटरी शॉप कहाँ पे है, आपके लोकेशन पे आ जाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अब गूगल माई बिजनेस काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, तो जिनको नहीं पता होगा तो गूगल माई बिजनेस ये गूगल की एक फ्री वेबसाइट है जहाँ से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है बिजनेस पता करने की, और आप बिजनेस करते हैं तो आपका प्रोडक्ट सेल होने में काफ़ी मदद करती है। गूगल माई बिजनेस पेज सभी को क्रिएट करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी अपने दोस्त, फ्रेंड्स, कलीग्स, उनकी मदद ले सकते हैं, उनको बोलिए कि एक गूगल माई बिजनेस का पेज क्रिएट करके दे। तो नियरेस्ट में जो भी, जिसको भी बैटरी की जरूरत रहेगी तो नियरेस्ट में डालेंगे कि नियर बाय बैटरी शॉप, नियर बाय स्टोर, तो आपका नाम हो सकता है वहाँ पे दिख जाए। इस तरीके से फेसबुक भी एक अच्छा सहारा है। फेसबुक में फेसबुक पेज बनाइए, फेसबुक में एक आईडी क्रिएट कर लीजिए। होता ये है कि आप बिजनेस डालते हैं तो काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता है, आपके दोस्त तो है, आपके रिलेटिव है, उनको ही पता नहीं रहता है कि आपका बिजनेस है। फेसबुक के माध्यम से अभी आजकल सभी के पास में फेसबुक है, तो उसके माध्यम से काफ़ी लोगों को पता चलता है कि इसका बिजनेस है, तो आपको कहीं कहीं से कॉल आने लग जाते हैं क्योंकि फेसबुक के माध्यम से पता चल जाता है कि इसका बिजनेस है। तो
काफ़ी दिनों से जो दोस्त लोग जो फ्रेंड्स लोग जो रिलेटिव नहीं मिलते उनको पता चलता है कि इसका बिजनेस है, तो वो आपसे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे। अब आपके एरिया में आपको किस किस इसको विजिट भी देना पड़ेगा, जैसे फ्लैट सिस्टम हो गए, फ्लैट सिस्टम इन्वर्टर की बैटरी लगती है, काफ़ी लोग रहते हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे व्हीकल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होंगे, कोई ऑफिसेस होंगे, कोई नेट कैफे वगैरह होंगे, वहाँ पे भी बैटरीज जाती है, नेट कैफे में अगर यूपीएस की बैटरीज वगैरह जाते हैं तो वो भी आप एक अच्छा खासा बिजनेस लेके आ सकते हैं। हर घर में आपको प्रमोशन करना है, क्योंकि हर घर में गाड़ी रहती है, बाइक तो रहती है, और हर गली में दो तीन कार भी आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे विजिट भी देना पड़ेगा। अगर विजिट नहीं दे सकते तो आपको एक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वो होती है ऑफलाइन मार्केटिंग भी। आप पॉम्पलेट्स के जरिए भी काफ़ी लोगों को बता सकते हैं कि आपका यहाँ यहाँ पे बिजनेस है, या फिर जो मैंने बोला सोशल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा पावर है। सोशल मार्केटिंग में गूगल माय बिजनेस पेज, फेसबुक में आप पेज बनाइए, फेसबुक में आप ग्रुप बना सकते हैं, इंस्टाग्राम की मदद लीजिए, इसके ज़रिए फिर आपको इसमें पोस्ट डालते रहना पड़ेगा। आप दिन में एक पोस्ट डाल सकते हैं या फिर हफ्ते में दो पोस्ट भी डाल सकते हैं। जितने ज़्यादा पोस्ट डालेंगे, जितना ज़्यादा उसमें लिखेंगे, उतनी ही साइट आपकी रैंकिंग करेंगी, उतने ज़्यादा लोगों तक आपको दिखेगा। तो मैंने वही बोला कि एक साल का टारगेट रखिए, एक साल में हो सकता है कि आपको उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल जाए आपके बिजनेस में, या आप पे डिपेंड है आप किस तरीके से काम करते हैं, आपका काम थोड़ा स्लो है तो एक साल के बाद में डेफिनेटली आपको बिजनेस दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई तंत्र मंत्र आपको करना नहीं है कि आप सिर्फ शॉप में बैठे हैं तो आपको बिजनेस मिल जाएगा शॉप से शॉप, ऐसा नहीं है। आपको मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा, वो होंगी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर पेड प्रमोशन आपको करना होगा। अब इसके जरिए जो जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आपको कुछ भी क्वेरी है, आपको मदद चाहिए होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा भी फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, तो वहाँ पे भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने का काम आपका ही होगा। ऐसा नहीं कि आपके शॉप में कोई आएगा और आपको बैटरी परचेज करने के लिए बोलेगा, तो बिजनेस बढ़ाने का काम आपका ही है। आपको अपने काफी सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे बिजनेस ग्रो करने के लिए, और तभी आपका बिजनेस ग्रो होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि हर महीने आपका सेल बढ़ जाएगा, वो साल के 12 महीने ही क्यों ना हो, आपका सेल काफी ज्यादा तक हद तक बूस्ट हो जाएगा। और ये जो ट्रक की बैटरी वगैरह आपको बेचना है, तो ये मैक्सिमम आपको ट्रक की जो बैटरी, अगर आप कोई लोकल एरिया में है, काफी अंदर है बैठे हुए, तो वहां पे हो सकता है कि ट्रक की बैटरी कम चले, क्योंकि ट्रक के चलते आउटर साइड में, तो आपको ऐसे लोग पकड़ने पड़ेंगे आउटर साइड में, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जहाँ पे ट्रक वगैरह, उनको विजिट देना पड़ेगा, कोई ऑफिसेस होंगे तो वहाँ पे उनके ट्रक वगैरह चलते होंगे, सो वैसे ही आपको घूम के उनसे बात करके इंक्वायरी जनरेट करना होगा। मतलब जितने ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो बैटरी सेल करने के काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने आपको यहाँ पे बताए, तो हो सकता है काफ़ी लोगों को ये पता हो, पर ये तो आपको करना होगा, सेल बढ़ाना होगा, तो काफ़ी कुछ बातें ध्यान में रखना होगा। सोशल मीडिया का आप सहारा लीजिए और अपना बिजनेस बूस्ट करिए। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।